मैडम आप बताइए, आपको ऑर्गेनिक वेलनेस की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली आई एम अ पेशेंट ऑफ बोन एब्सेस. बिफोर फ्यू इयर्स आई वाज हैविंग अ प्रॉब्लम बोन एब्सेस. टेकन अ लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ 2-3 इयर्स आई गॉट फिट, बट आई कुडंट गॉट अ रिड फ्रॉम द स्टिफनेस ऑफ माई बॉडी. Stiffness of my body. And what happened? Once I met Krishna Gupta sir, he told me that I'm suffering from the stiffness in the morning. I come and wake up. So he told me that you do one thing, ma'am, you follow organic wellness product. Once then he explained me about the product. I started taking this calcium as well as bone fitter and the skin wa in my diet, and then I got the results. Then I am damn sure I have implemented all these things in my life. Now I can say that anyone is having any sort of problem can get on rid with this product. I am damn sure for that. मैम बताइए, आपको आपके परिवार से सपोर्ट मिला है जब आपने ये सोचा था कि आप ये शॉप डालेंगे? आपको आपके परिवार का सपोर्ट था? सबसे पहला सपोर्ट तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी हमेशा ये चाहती थी कि मैं एक बिजनेस करूं. बट एज आई वॉज अ टीचर, आई टीचिंग वॉज माई पैशन. बट वेन आई थॉट दैट आई गॉट सच अ गुड रिजल्ट ऑन माई हेल्थ, नाउ आई डोंट हैव एनी स्टिफनेस इन माई बॉडी. So she told me, Mom, why don't you do this thing? So she was the one who used to motivate me, and she made it my motive of a life to get success in that. And my family also supported me. My husband. So ma'am, बताइए किसी भी business को start करने के लिए आपको क्या लगता है कौन सी qualities इंसान में होनी चाहिए? See, first of all, we need that. We should have been confident. First of all, be confident. And if once you think that you can do it, then you can do each and everything in the life. I say, सबसे पहली बात ये business की बात है कि पहले उस चीज को आप इस्तेमाल करके देखो जिस चीज से हम खुश हैं. जब हम खुश होते हैं तो हम उसको, हमारी खुशी को जब बांटते हैं तो दुगनी होती है. बिजनेस इस भी ऐसा ही है. जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिल रही है, प्लेजर मिल रहा है. इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए ऑर्गेनिक वेलनेस आज सबसे पहला स्वास्थ्य, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ही बढ़िया बेटी. सो आप अपनी बेटी को भी एंटरप्रेन्योर बनता देखना चाहेंगी कभी? व्हाई नॉट, आई वांट माय डॉटर टू बी इन द ऑर्गेनिक वेलनेस ओनली बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. एंड दिस कोरोना period has given a very big lesson to the public of India and the whole world, I used to say. That this is an really and such a period that we learn that when we are healthy, we can survive well. क्या बात है. सो मैम एक बात बताइए, जैसे ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो मैंने देखा है बहुत ही बड़े बड़े शहरों में जाना जाता है. आपको लगता है कि रामगंज वन जैसी छोटी स्मॉल टाउन जगह पर भी लोग इसे समझ पाएंगे? देखिए, ऑर्गेनिक से क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक वो चीज है जो हमारी धरती माता को अलाइव रखती है. व्हाट इज एन ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक कीप्स द सॉइल फर्टिलिटी वेरी गुड. सी, वी कैन सी दैट आवर सॉइल इज अलाइव. आज हम जितने केमिकल्स यूज करते हैं सॉइल में, व्हाट हैपेंड इन दैट फ्यू इयर्स, आप प्रॉफिट तो अर्न करते चले जाएंगे पर कितना साल कमा लेंगे. ऑर्गेनिक वो चीज है जो हमारी इस चीज को, देश की मिट्टी को हम बचा रहे हैं. हमारी धरती माता के लिए हम जो कर सकते हैं वो यही है कि उसे हम बचा के रखें ऑर्गेनिक से. इस कोरोना के काल में आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है? हमारे पास कोरोना के लिए स्पेशल, हमारे सर ने अपने प्लांट में कैसा किट तैयार कराया है जिससे हमें कह सकते हैं कि हम ये लेंगे हमारी इम्यूनिटी के लिए, हम अश्वगंधा लें. दिस इज एन अश्वगंधा, अ प्योर हर्ब अश्वगंधा. ये हमारे देश के वो रूट्स हैं जिसे हम भूल गए थे. आज हम वापस उसी जगह जा रहे हैं कि हमें ये सब चीजें लेनी है. अश्वगंधा है, आप अश्वगंधा लीजिए. मोरिंगा, टर्मरिक्सी, ये सब चीजें क्या है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं. प्लस टेकन रेगुलर दिस ग्रीन टीज, ये हमारे पास इतने सारे रेंज है ग्रीन टीज के. ये आप ग्रीन टीज लीजिए, आपको इम्यूनिटी बढ़ेगा. बहुत
देश में बहुत सारी ऑर्गेनिक की कंपनी है, हर रोज एक नई ऑर्गेनिक की कंपनी खुलती है, आपने ऑर्गेनिक वेलनेस को ही क्यों चुना? ऑर्गेनिक वेलनेस की ये तो मैं एक ही बात कहूंगी कि ऑर्गेनिक वेलनेस इज नॉट एट ऑल अ ब्रांड, इट इज अ ट्रस्ट, इट इज अ ट्रस्ट ऑफ दैट पीपल, दोज पीपल इन द लाइफ इन द वर्ल्ड हु आर सफरिंग एंड हु हैज टेकन दिस प्रोडक्ट। इवन मी मायसेल्फ आई एम टेलिंग यू, आई वाज हैविंग मोन एब्सेस व्हेनेवर आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू क्राई दैट इज सुबह क्यों हो गई यार, ये सुबह क्यों हुई, उठते पहले दर्द होने का है, बूढ़े हो गए पकड़ के खड़े होने का है, ये जॉइंट फिट्स वगैरह लेकर के आज मेरी लाइफ जो है, मेरा वेट देखो, मेरी प्रॉब्लम्स देखो, उस प्रॉब्लम्स में आज मैं जब खड़े होकर चल पा रही हूँ और काम कर पा रही हूँ, आई थिंक दैट दिस इज एन आई मीन माई सेल्फ एन एग्जाम्पल, आई डोंट हैव, तो ये मैंने चूजा कि ये प्रोडक्ट ये अपने आप में एक ब्रांड ही, ये विश्वास है, ये हमारे देश का वो विश्वास है कि जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट के जरिए हम अपना हेल्थ बनाएंगे, तो हेल्थ ही अपने आप में वेल्थ है, क्योंकि आज वेल्थ काम नहीं आई इस कोरोना में, हेल्थ ही काम आई, लोगों के पास पैसा बहुत है पर लाइफ स्पैन इतना कम हो गया कि वो पैसा देके भी अर्न नहीं हो सकता 2-4 दिन में। मैडम ऐसी बहुत सारी सिटीज और हैं और उसमें बहुत सारी लेडीज हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगी इसके लिए? मैं तो ये कहूंगी कि अगर बिजनेस करना है तो आप ऑर्गेनिक वेलनेस का कीजिए, उस चीज को समझिए कि आज हमारे देश में और विदेश का अंतर आज हमें समझ में आया ना इस पीरियड में, तो मैं तो ये चाहूंगी कि हर वो लेडी अगर बिजनेस करना है तो ऑर्गेनिक वेलनेस का बिजनेस कीजिए, अपने आज खुद को अच्छा बनाइए, हमारे एरिया को अच्छा बनाइए, सोसाइटी अपने आप अच्छी होगी फिर देश पे जाइए, पहले हम अपना एरिया को अच्छा बनाए। तो मैं तो ये कहती हूँ जगह छोटी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, मेरी रामगंज मंडी बहुत छोटी है पर मेरे रामगंज मंडी के लोगों का मैं ये बात कह सकती हूँ कि एज मैंने पहले भी बोलता आई एम टीचर, तो मैं ये बोलती हूँ कि मैंने जब बच्चों को पढ़ाने में जब मैं बिल्कुल ऐसा कंजूसी नहीं करी नॉलेज देने में, तो मैं हेल्थ में भी कंजूसी नहीं करूंगी उनके लिए। चलिए मैडम, मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप अपने स्टोर का फ्यूचर कैसे देखती हैं? मैं तो ये चाहूंगी कि आज एक है रामगंज मंडी में, कल 10-20 और मेरा एरिया पूरा ऑर्गेनिक वेलनेस से चमके, मेरा पूरा हड़ौती एरिया ऑर्गेनिक वेलनेस से चमके और लोग इसको ले स्वस्थ रहें और हम हमारे राजस्थान को पूरा ऐसा बना दें, फिर धीरे धीरे करते करते हर शहर हर कस्बा और एक दिन हमारा पूरा देश, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, जब हम ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं, हम हैं तो जान, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जान है तो जहान है, और हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हम हेल्दी होंगे।